हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो एज यू नो, हम लोग इन बिटवीन क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। सो नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 103। आप लोग अपनी बुक में देख लेना किस पेज पे है। बेसिकली जो चैप्टर का थर्ड कॉलम ऑफ क्वेश्चंस होगा वो है ये। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बॉडी ऐसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब है, कैसे बताएंगे? देखो, हमें पता है हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होता है। चलो पढ़ लेते हैं इसको। व्हेन अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी एट अ कांस्टेंट रेट, तो जब वो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रही है, देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड सिमिलरली व्हेन अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी एट डिफरेंट रेट, मतलब वेलोसिटी अलग अलग रेट्स पे चेंज हो रही है, देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर टू इज, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो पहली बात तो हमें यहाँ पे निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। एंड हमें गिवन क्या है, अब बस ने अपनी स्पीड करी है डिक्रीज, कम करी है, तो स्पीड कम हुई है, ऐसा एक्सेलरेशन हमारा होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है वी माइनस यू अपॉन में टी, राइट। सो अगर स्पीड डिक्रीज हुई है, एक चीज तो यहीं से पता चल जाएगी हमें कि एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव आएगा, है ना, क्योंकि स्पीड फाइनल स्पीड जो होगी वो कम हुई है हमारी। चलो अच्छा, यहाँ दूसरी चीज ये है कि जो हमें स्पीड दे रखी है, मतलब बेसिकली हमें जो वेलोसिटीज दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। चलो, अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर। सो पहले उसकी 80 थी, अब 60 हुई है, मतलब इनिशियली इट वॉज 80 किलोमीटर पर आवर एंड नाउ फाइनल उसकी वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये क्लियर है, यूवी समझ में आ गए। आप पहले तो उसको कन्वर्ट ही कर लेते हैं। सो आपको पता है किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 1000 किलोमीटर से मीटर में आ गए अपॉन में डिवाइडेड बाय 3600, मतलब आर से सेकंड में आ गए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कट करना स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा 5, दिस इज गोइंग टू बी 18, किसी से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। सो अब टू के टेबल से करते हैं, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 40। अब यहाँ पे ये कट नहीं होगा, सो 5 4 20, सो ये आ गया 200 अपॉन 9, ये हमारा हो जाएगा 9 into 2 is 18, बचेगा हमारे पास अगेन 20 बच जाएगा, फिर से 2 से करेंगे 18, पॉइंट आ जाएगा अभी 18 से होता जाएगा, तो ये इसी तरीके से चलता रहेगा। अब नेक्स्ट कर लेते हैं 60 को, तो 60 into 1000 अपॉन में 3600, अगेन 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 36 और इसको कर देंगे, ये आ जाएगा 5 से लिख देते हैं, ये आ गया हमारे पास 5, ये हो गया 18, इसको कट करेंगे ये हो गया 3, ये हो गया 10, फर्दर कट नहीं होगा, तो ये आ गया हमारे पास 50 upon 3। फिर से इसको कर लेते हैं, 3 1 जा ही होगा, 3 2 जा तो नहीं जा रहा, 3 1 जा 3 20 बचा, 3 into 6 is 18, पॉइंट अगेन वो 6 6 चलता रहेगा हमारा, ठीक है जी। तो हमारे पास U भी आ गया, V भी आ गया, दोनों हमारे पास मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट होके आ गए। अब हमें निकालना था एक्सेलरेशन वैल्यूज, पुट कर देते हैं। V हमारे पास कितना आया है, 16.66 माइनस 22.22, ठीक है, अपॉन में टाइम, टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड्स, अपॉन में आ गया, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वी हैव 22.22 जिसमें से माइनस करना है 16.66, 12 में से 6 गया, 6 आ जाएगा, 11 बच जाएगा, ये आ गया 5, अगेन 11, 5 और हो जाएगा 0, तो 5.56 अपॉन में 5, इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 5 5 1 5, 6 की जगह अगेन 1 और वो आ जाएगा 2, सो हमारे पास आ गया 1.112 एंड एक्सेलरेशन निकाला है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ऑल्सो नेगेटिव में,
माइनस में रहेगा ना, बिकॉज हमने उल्टा माइनस किया ना भाई, 16.66 में 22.22 जाएगा तो नेगेटिव ही आएगा, सो -1.112 इज द एक्सेलरेशन. ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 सेज अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स. तो यहाँ पे बताया है इसकी स्पीड इतनी हो गई 10 मिनट्स में, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन. अगेन आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है इसमें, ठीक है ना. सो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, अच्छा देखो, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम, अब एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है मतलब अभी तक वो रेस्ट पे थी. जब भी कोई चीज स्टेशनरी से मूव होनी स्टार्ट होती है तो हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेते हैं. तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, तो ये 40 किलोमीटर पर आवर जो दे रखा है, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी. ठीक है जी, एंड टाइम हमें गिवन है 10 मिनट्स. तो यहाँ पे हमें जो सबसे पहले चीज करनी पड़ेगी वो ये है कि हमें अपनी वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है और टाइम को सेकंड्स में चेंज करना है. सो वेलोसिटी इज 40 किलोमीटर पर आवर. सो ये हमारा हो जाएगा 40 × 1000 अपॉन में 3600. अगेन जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, फोर के टेबल से कट कर देंगे, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 9 एंड हमारे पास आ गया 100/9. ठीक है, सो अगेन इसको यहाँ पे यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं. 9 × 1 = 9, 10 बचेगा, अगेन 9 × 1 = 9 पॉइंट आएगा, सो वो अगेन 1 ही चलता रहेगा. ठीक है, सो 11.11 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी. टाइम को भी इसी तरीके से चेंज कर देती है, टी हमें गिवन है 10 मिनट्स. नाउ वी नो 1 मिनट में वी हैव 60 सेकेंड्स, तो जी हमारा कितने मिनट्स है, 10 मिनट्स में कितने हो जाएंगे, 60 × 10 मतलब 600 सेकेंड्स. क्लियर, टाइम को भी कन्वर्ट कर लिया, वेलोसिटी को भी कर लिया. अब हम फाइनल अपना यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला, विच इज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी. वी अभी हमने कन्वर्ट करके निकाला 11.11 आई थिंक. हाँ, सो वी हैव 11.11 माइनस यू तो जीरो ही है, अपॉन में टी कितना है 600. सो दिस इज 11.11 600. सो ये हो गई हमारी एक्सेलरेशन. ठीक है, आप चाहो तो इसको कट भी कर सकते हो, कट करोगे अगेन पॉइंट में समथिंग 0. something आंसर आएगा, या आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो. तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था पेज 103 पे. अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जहाँ पे भी होंगे वो हम लेंगे क्वेश्चंस, बट इन द नेक्स्ट सेशन. सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर एंड